जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सी के कंप्यूटर एकेडमी में। ये हमारा एमएस वर्ड का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने एमएस वर्ड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और दूसरा वीडियो जो कि मैंने लाया था फाइल पर, कि फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं तथा इनका क्या प्रयोग होता है, इन सब पर जो है मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। यदि आपने अभी उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। इसके अलावा जो है इंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज हम चर्चा करेंगे होम टैब के बारे में, कि होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं तथा इनका क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम टैब में टोटल यहाँ पे 5 ग्रुप दिया गया है। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, दूसरा ग्रुप है फॉन्ट का, तीसरा जो है आपका पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग। तो टोटल यहाँ पे 5 जो है आपका ग्रुप दिया है। तो पहले ग्रुप में 4 ऑप्शन आते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर का। तो देखिए मैं सभी का एक एक डिटेल से बताने वाला हूँ। तो पहला देखिए, ये अभी आपको देख रहे होंगे यहाँ पे अभी ऐसा वर्क नहीं कर रहा है, ये जो है अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं इस पर कितना भी क्लिक कर दूँ क्योंकि ये एक्टिव नहीं है इस समय। तो एक्टिव कैसे होते हैं, जब आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तब जाकर ये दोनों एक्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसको सेलेक्ट कर लिया, तो अब देखिए ये दोनों हमारे एक्टिव हो गए हैं। तो पहला जो इसमें दिया है कट, इसका प्रयोग किया जाता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, यानी कि काटने के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ से प्रयोग कर लें, या आप शॉर्टकट की होता है Ctrl+X, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ का जो टेक्स्ट था वो हमारा कट चुका है। अब जो चीज़ कट होता है वो पेस्ट भी होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दूसरे इस लाइन में, अब मुझको इसको पेस्ट करना हो तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जो यहाँ से हमने कट किया था यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था जो कि कट होता है वो भी पेस्ट होता है, जो कॉपी होता है वो भी पेस्ट होता है। अब मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करना हो। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे है कॉपी का ऑप्शन, तो मैं इसको कॉपी कर लिया। अब जो है मुझे इसको पेस्ट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर यह पेस्ट हो जाए। तो सिंपली जो है आप चाहें तो इस पर क्लिक कर दें, या फिर शॉर्टकट की होता है इसका Ctrl+V, उसके माध्यम से भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर हमारा यह भी पेस्ट हो चुका है, यानी कि जो चीज़ कट होता है वो भी पेस्ट होता है, जो पेस्ट जो कॉपी होती है वो भी पेस्ट हो जाती है। जो है हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है फॉर्मेट प्रिंटर का, इसका प्रयोग किया जाता है फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए। यानी कि कोई भी फॉर्मेट हो, अगर किसी टेक्स्ट पे लगाया गया है वही फॉर्मेट किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो है इतना सेलेक्ट किया और इस पर एक फॉर्मेट मैं सेट कर देता हूँ हाईलाइट कलर का। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हाईलाइट कलर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे दिखा है फॉर्मेट प्रिंटर, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारा जो है अप्लाई हो चुका है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर के साथ एक छोटा सा जो है ब्रश भी दिया है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा उसी फॉर्मेट को। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है प्रिंट कर दे, तो 2 बार क्लिक करना होगा। तो 2 बार मैंने क्लिक किया तो देखिए वही फॉर्मेट जो है हमारा इस पर भी अप्लाई हो गया है। होम टैब में दूसरा ग्रुप दिया है फॉन्ट का, इसके अंतर्गत जो भी ऑप्शन आते हैं सब फॉन्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा दिया है फॉन्ट का, तो यह है हमारा फॉन्ट का नेम होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे फॉन्ट अवेलेबल होते हैं, किसी का भी हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको भी सेलेक्ट किया इतना एरिया, और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो मैं यहाँ से जो है चेंज कर सकता हूँ। आप साइड में देख सकते हैं, देखिए चेंज हो रहा है किस प्रकार से। तो बहुत से यहाँ पर जो हमको देखने के लिए फॉन्ट मिल जाते हैं। अगर आपको बाद में अप्लाई करना है, बाद में लिखना है, मतलब सेलेक्ट पहले नहीं करना, पहले अप्लाई कर देना है इसके बाद लिखना है, तो आप क्या करना, सिंपली आना है यहाँ पे और जो भी अप्लाई करना है, जैसे इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई करके आप जो भी आपको टाइप करना आप टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इंग्लिश में बहुत सारे फॉन्ट दिए, फॉन्ट की कमी नहीं है इंग्लिश में, बहुत सारे दिए हैं। तो आप जो भी अप्लाई करना है, जैसे इसका अप्लाई करना है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो जो भी आप चाहें तो जो भी आप अप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिए गए हैं, तो सभी का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको हिंदी का प्रयोग करना है तो कुर्ती देवी जो है आपका हिंदी के लिए होते हैं, तो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए। तो ये सब जो है आप यूज कर सकते हैं हिंदी के लिए, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद जो भी आपको हिंदी में लिखना होगा तो आप यहाँ से हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि अजय गया, विजय है ना,
राज, जो भी आपको लिखना हो किसी का भी नाम तो आप लिख सकते हैं, तो हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ से। और इसको हिंदी के फॉन्ट को चेंज भी किया जा सकता है, इसको सिलेक्ट करके हिंदी में, बहुत सारे इसमें हिंदी में भी दिए हैं, तो आप जो है देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ, रुकिए यहाँ पे ये सब जो है सब जो है हिंदी के, देखिए जिधर जो है मैं जा रहा हूँ उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा चेंज होता चला जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से। तो बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे उसके हिंदी का लिए भी दिया है कि आप जो भी चाहें जो भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, जिसका भी कर देंगे उसी प्रकार का हो जाएगा उसमें। इसके मैं इस पर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे इस प्रकार का हो गया अजय विजयराज। तो यहाँ पे फॉन्ट नेम में क्या होता है, फॉन्ट को चेंज किया जाता है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा जो दिया है फॉन्ट साइज, तो ये क्या करता है फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करने का काम किया जाता है, यहाँ से फॉन्ट के साइज की सेटिंग की जाती है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो है फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और मैं चाहता हूँ ये हमारा हो जाए 20, तो देखिए हमारा इतना बड़ा हो गया, और मैं चाहता हूँ और भी बड़ा हो जाए, चाहते 28 हो जाए तो 28 हो गया। तो एक मिनट मैं अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई हो गया। तो इस प्रकार आप यहाँ से जो है आप सेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा जो है फॉन्ट होना चाहिए। साथ ही साथ यदि जो है आप इसको स्टेप बाय स्टेप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, मैं स्टेप बाय बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ग्रो लिखा फॉन्ट, तो दो दो स्टेप जो है ग्रो होगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ठीक है यहाँ पे ग्रो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे तो दूसरा हमारा दिया सिंक फॉन्ट, यह होता है फॉन्ट को छोटा करने के लिए, यानी कि डिस्क्रीज कह सकते हैं आप। तो इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका छोटा होता चला जाएगा फॉन्ट। तो इससे फॉन्ट को बड़ा किया जाता है, इससे फॉन्ट को छोटा किया जाता है। इसको जो है आप यहाँ से जो भी चाहें अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पर खुद भी लिख सकते हैं कि मैं कितना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि 25 हो जाए, तो आप यहाँ से 25 करके अप्लाई कर देंगे तो जो है वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो आप चाहें तो मैनुअली लिख सकते हैं, या फिर इसमें से आप खुद जो है चॉइस जो आपको हो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिस्क्रीज कर सकते हैं। तो दोनों तीनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद जो है अगला हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है ये है चेंज केस। तो ये क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि ये जो है हमारे केस को क्या करता है, चेंज कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जो है वर्ड लिख रहा हूँ, अभी इसके बारे में आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगा। राजकुमार, अब राजकुमार में यदि मैं चाहता हूँ कि सभी कैपिटल हो जाएं, यानी कि सभी अक्षर कैपिटल हो जाए, तो सेलेक्ट करके यहाँ पर आपका आना है चेंज केस में। तो यहाँ पर दिया है अपर केस, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए सब क्या हो गया, सब कैपिटल लेटर में हो गया। अब चाहते हैं कि सभी स्मॉल लेटर में हो जाए, सेलेक्ट किया गया पूरा एरिया, आप चाहते हैं कि सभी स्मॉल में रहे, तो जितना आप सेलेक्ट करेंगे उस पर सभी पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर लोअर कर देंगे तो सब छोटे हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि सेंटेंस केस में हो जाए, यानी जो सेंटेंस का नियम होता है कि लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा राजकुमार में जो है हमारा आर जो है ये हमारा कैपिटल हो चुका है, तो उसके लिए होता है। साथ ही साथ जो है मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसमें और भी ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर लिखा कैपिटलाइज इच वर्ड, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर देता है, बाकी सब स्मॉल कर देता है। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि राज में आर और कुमार में के, ये दोनों क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया है। और मैं दिखा रहा हूँ सिलेक्ट करने के बाद, इसमें और सब ऑप्शन है। इसके बाद दिया है टोगल केस, इसमें क्या होता है पहला अक्षर जो है वर्ड का वह होता है स्मॉल में और सब कैपिटल में हो जाते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं राज में आर को स्मॉल कर दिया है और कुमार में के को स्मॉल कर दिया है, और इसके अलावा सभी को कैपिटल कर दिया है। तो ये जो है टोगल केस है, और आप सेंटेंस केस को कर देंगे तो पहला अक्षर जो है कैपिटल कर देगा और सब स्मॉल कर देगा। तो ये हमारा केस है कि जो कि किसी भी केस चेंजिंग करने के लिए काम करता है। आप जानते हैं कि ये सभी कैपिटल लेटर में हो जाए इतना सिलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है बोल्ड का, इसका प्रयोग होता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड में करने के लिए, या फिर इसके बाद जो भी आप एक्टिव करने के बाद जितना भी चीज़ आप टाइप करना चाहते हैं उसको बोल्ड में टाइप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं राजकुमार को यदि चाहूँ कि ये बोल्ड हो जाए, तो कुछ नहीं करना आपको, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसी पर कर देना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक कर दें देखिए यह बोल्ड हो जाता है, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि आप शॉर्टकट की होता है इसका कंट्रोल प्लस बी, उसके माध्यम से भी बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये हमारा बोल्ड हो जाए, तो जो है इतना आप सिलेक्ट किए, इसके बाद आके यहाँ पे बोल्ड पर क्लिक कर दिए बी पे, तो देखिए हमारा ये भी बोल्ड हो चुका है। तो ये तरीका है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि जो चीज़ हम टाइप करें आगे
वे सब बोल्ड में टाइप हूँ। अभी देख लीजिए, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो अभी नॉर्मल टाइप हो रहा है, यहाँ पे कोई बोल्ड वोल्ड नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आगे जो भी हमको टाइप करना हो सब बोल्ड में टाइप होना है, तो आप क्या करते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक्टिव होने की जो निशानी है वो ये है कि यहाँ पर इस प्रकार का कलर दिखाई देगा, यानी हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, यानी कि हमारा बोल्ड जो है अब इस समय एक्टिव है। तो जो भी टाइप हम करेंगे तो हमारा बोल्ड में टाइप होगा, तो इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है वह जो है आपका क्रॉस हो जाता है, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। मैं आपको दिखा दूँ, जैसे राजकुमार है तो राजकुमार को मैं ऐसे जो है सिलेक्ट करने का, इस पर जब क्लिक किया तो देखिए आप हल्का सा जो है क्रॉस में हो गया है। अगर शॉर्टकट की के माध्यम से इसको करना हो तो जैसे कि मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आई, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई जो प्रेस करेंगे तो वो भी हल्का सा देखिए क्रॉस में हो गया, तो इस पर जो है एक्टिव हो जाएगा। अब इसको अनएक्टिव करना हो, बंद करना हो तो क्या करना है आपको, नॉर्मली इसी पे क्लिक कर देना है तो ये जो है बंद हो जाएगा। सेकंड हमारा दिया अंडरलाइन। अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है किसी भी टेक्स्ट पर अंडरलाइन लगाने के लिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अजय विजय राज जो लिखा है इसका अंडरलाइन लग जाए, तो यहाँ पर अंडरलाइन जो डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी का क्या प्रयोग है देख लीजिए। पहला जो हमारा दिया है तो ये जो है अंडरलाइन बहुत पतली सी रेखा से होगी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो है हल्का सा दिखाई दे रहा होगा आपको। यदि मैं इसको जो है बोल्ड पर करके दिखाऊं, देखिए तो यहाँ पे एक सिलेक्ट करने के बाद काम करेगा, सिलेक्ट किए और यहाँ पे आया और यहाँ पे बोल्ड पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे एक बोल्ड कलर में जो है हमारा यहाँ पे अंडरलाइन आ गया है। साथ ही साथ यदि आपको इस प्रकार से जो है आपको देखना चाहते हैं कि डेड डैश टाइप में दिखाई दे, तो इस पर क्लिक कर देंगे डेड डैश टाइप में क्लिक दिखाई देगा। मैं राजकुमार पर अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके देखिए तो यहाँ पर देखिए डेड डैश में हो गया। या फिर आप जो है इस पर प्रयोग करना चाहते हैं, इस पर सिलेक्ट किए और मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो ब्लैक में ना होकर रेड कलर में आ जाए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आप आएंगे अंडरलाइन कलर में तो यहाँ पर क्लिक करते बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ रेड कलर पर हो जाए, इस पर क्लिक किया तो देखिए रेड कलर में यहाँ पर हमारा यहाँ पर अंडरलाइन बन चुका है। यदि शॉर्टकट की के माध्यम से करना हो तो शॉर्टकट की का माध्यम है आपका कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस यू, यानी कि जब आप कंट्रोल प्लस यू एक साथ अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो भी अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं इतने को चाहता हूँ कि अंडरलाइन हो जाए तो कीबोर्ड से करना है कंट्रोल प्लस यू, तो देखिए आप यहाँ पे अंडरलाइन लग चुका है, तो इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो दिया है वो होता है स्ट्रिक थाट। यह क्या करता है कि जो भी सेलेक्ट टेक्स्ट होता है उस पर क्या करता है, एक जो है लाइन बीच में खींच देता है, सिंगल लाइन डबल लाइन दो होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जब मैं स्ट्रिक थॉट पर क्लिक कर दिया तो देखिए जितना हमारा सेलेक्ट है राजकुमार है दोनों, तो दोनों के बीच में क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस का जो है लाइन दे दिया है, तो उसके लिए किया जाता है। अब इसी को हटाना हो, अनअप्लाई करना हो तो इसी पर क्लिक करके इसी पर आप क्लिक कर दीजिए सेलेक्ट करने के बाद, तो आपका हट जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है सब स्क्रिप्ट और ऊपर दिया है सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है जो बेस बनाने के लिए, मैंने आधार के टाइप में लिखने के लिए। जैसे कि हम लोग जो है पानी का सूत्र लिखते हैं H2O, ठीक है, तो H तो हमारा नॉर्मल होता है लेकिन 2 हमारा बेस में होता है, नीचे होता है, तो वह कैसे लिखा जाएगा, तो उसको लिखने के लिए अगर आप नॉर्मल ऐसे लिखेंगे 2 तो बगल में हो जाएगा, उसके लिए आप सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे जब यह एक्टिव हो जाएगा, जो भी लिखेंगे वो हल्का सा नीचे लिखेगा, यानी कि बेस के तरीके लिखेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर नीचे लिख दिया। इसके बाद आप इसको अनअप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा। अब मुझे ओ लिखना हो तो मैंने वो कर दिया, तो देखिए इस प्रकार से हो गया। आप जो देख रहे होंगे छोटा बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि यह कैपिटल में इस्तेमाल में, अगर इसको कैपिटल आप कर देंगे तो भी जो है यह सही हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएं तो आपका ये भी अप्लाई हो जाएगा ओ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पानी का सूत्र होता है तो H2O लिखते हैं तो 2 नीचे लिखते हैं, तो उस सभी कामों के लिए जो है सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो सुपर स्क्रिप्ट होता है यह जो है किसी के पावर लगाने के लिए होता है, जैसे कि हम लोग जो है एक फार्मूला लिखते हैं A+B² वाला, तो उसमें जो है हम लोग ऊपर लिखते हैं, घात लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर लिखने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि होता है ना छोटा कोष्ठक ऑन किए, इसके बाद A+B छोटा कोष्ठक बंद, इसके बाद क्या करते हैं ऊपर जो है 2 लिखते हैं, है ना, A+B² होल स्क्वायर लिखने के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसको जो है एक्टिव कर देना। एक्टिव जब आप कर देंगे इसको तो जो भी आप लिखेंगे ऊपर लिखेगा। मुझे 2 लिखना है तो देखिए हमारा 2 ऊपर लिख गया। अब आप इसको बंद कर दें, बंद करने के बाद हमने क्या कर दिया कि इक्वल कर दिया, पूरा फार्मूला ही लिख देते हैं। चलिए तो होता है A² लिखने के बाद स्क्वायर ऊपर होता है ना,
तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे टू कर दीजिए तो ऊपर लिखा देगा। इसके बाद प्लस, तो प्लस लिख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसके साइड में लिख रहा है, यानी कि ये भी ऊपर लिख रहा है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पे अप्लाई, इसीलिए यहाँ से बैक करके पहले इसको बंद कर दें। और इसके बाद कर दिया हमने प्लस, इसके बाद होता है बी स्क्वायर, बी लिखने के बाद इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद हम लिखते हैं टू, ये हो गया। फिर इसको अनअप्लाई कर दें, इसके बाद होता है प्लस टू ए बी, तो इसको नॉर्मल लिखा जाता है टू ए बी। तो इस प्रकार के कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट का पावर लगाने के लिए किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी नंबर पर, और सब स्क्रिप्ट का किसी भी टेक्स्ट या नंबर पर बेस लगाने के लिए, यानी कि नीचे लिखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया है टेक्स्ट इफेक्ट। किसी भी टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिसको मैंने जो है H2O को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है अप्लाई करना, जो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा किस प्रकार का हो गया। इसी प्रकार आप इसको भी इफेक्ट देना चाहते हैं दूसरा कुछ, इसको सिलेक्ट करके जो है आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो वही जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट। इसके बाद दिया है हाईलाइट कलर। जैसे कि आप लोग कॉपी में हाईलाइट कलर का यूज करते हैं, जिसको आपको हमेशा जो है चाहते हैं कि हमारा ध्यान तुरंत इसी पे जाए, तो उसको आप हाईलाइट कर देते हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी किया जाता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो जाए हमारा किसी रेड कलर में हो जाए, तो यहाँ पर आप रेड कलर अप्लाई कर दे तो रेड कलर में हो गया। चाह रहे हैं कि हमारा येलो कलर में अप्लाई हो जाए तो येलो कलर में जो हाईलाइट लग जाएगा, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब सिलेक्ट किए और देखिए लग गया। तो इसी प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर जो है आप ग्रीन चाहते हैं तो पहले आप इसको सिलेक्ट करने के बाद करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जो है हल्का सा पेन जो है आपका हाईलाइटर वाला जैसे पेन होता है, उसी प्रकार के यहाँ पर सिंबल आ जाता है आपके पॉइंटर के साथ। तो जिसको भी आप अप्लाई करना रहता है उसी पर दो बार क्लिक कर देते हैं तो वो भी वर्क करने लगता है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारा दिया है वह दिया है जो है फॉन्ट कलर। तो जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं, अभी तक यहाँ पर ब्लैक कलर में लिख रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लैक कलर ही काम करता है, लेकिन आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बहुत सारे कलर दिए तो जो भी आप चाहते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका कि आप चाहते हैं कि इसके बाद मैं जितना भी लिखूँ उस पर हमारा यह कलर काम करे, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है इस कलर को अप्लाई कर दिया तो जो भी लिखूँगा तो इस कलर में दिखाई देगा, ठीक है। तो इन सब कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑन नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और EMS वर्ड से रिलेटेड इस प्रकार डेली वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। तो आज मैं EMS वर्ड का पूरा वीडियो नहीं बनाया हूँ टाइप का, क्योंकि जो है बहुत अधिक समय लग जाता, तो अभी हमारा 3 जो है यहाँ पे ग्रुप बचा हुआ, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।